मान ली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रह जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन बार बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूँटा ठोक के। नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं। मैं आपको समय बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बाबा के आने का वक्त आ गया है। अब खूँटा ठोकाएगा। बिहार में राजनीतिक सियासत जो चल रही है ये अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार को आवश्यकता इस वक्त जिन चीज़ों की है उसके लिए कोई सियासत नहीं कर रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, ऑक्सीजन की सेवाओं को लेकर, रेमडेसिविर दवाई को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर बिहार सरकार कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ मुंह ताक रही है, वहीं केंद्र सरकार बिहार पर कोई मेहरबानी करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। अब परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि नीतीश कुमार मांगे भी तो किससे। संवादहीनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार चाह कर भी केंद्र सरकार की तरफ मुँह नहीं मोड़ पा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो बिहार का कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। कल हाई लेवल मीटिंग करने के बाद नीतीश कुमार ने इस बात का भी कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया कि परिस्थितियां अगर बिगड़ी तो पूरी तरह से बिहार को अपने कंट्रोल में करते हुए वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। भाजपा के नेताओं के बयानबाजी को भी लगातार वो सुन रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी अक्सर किसी बड़े तूफान का ऐलान होता है। इस बार भी नीतीश कुमार चुप हैं, भाजपा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिहार के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को बोल रहा है, यहाँ तक कि सुशील मोदी भी अब केंद्र सरकार को बोलने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार लेकिन अब तक कुछ नहीं बोले हैं भाजपा की तरफ, लेकिन अब उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्रों को उतारना शुरू कर दिया है। शुरुआत तभी हो गई थी जब संजय जायसवाल के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने उनका नाम लेते हुए हमला कर दिया था। अब खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी ने शर्त रखते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग कर दी है, लेकिन मकसद उनका ना लॉकडाउन था ना ये शर्तें थी। जीतन राम मांझी ने अंतिम लाइन लिखी है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो जो एसी रूम में बैठकर लॉकडाउन या बिहार के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नीतीश के पुराने सहयोगी, एक समय हनुमान माने जाने वाले नरेंद्र सिंह, जिनके पुत्र आज नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी भाजपा को जमकर खरी खोटी सुना दी है। जब 2 साल मिले थे तैयारी करने के लिए इस बीमारी को लेकर, तो क्यों नहीं बिहार को ऑक्सीजन और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की। किस बात का डबल इंजन सरकार। सीधे बाबा के पास चलते हैं, बाबा की बात करते हैं, बाबा से बात करते हैं और बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार अब अपने ब्रह्मास्त्रों को क्यों उतार रहे हैं, क्या देर हो गई है। सबसे पहले तो हेरा से अभिनंदन सभी के बा, और बात ब्रह्मास्त्र के चला था। ब्रह्मास्त्र के चले के पीछे बहुत सारा कारण, लेकिन एक कारण में नमन जी एगो सबसे बड़ा बात बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वही मोर्चा पर विफल होता रहे जो मोर्चा उनका हाथ से बाहर हो जाता। मेडिकल ऐसा क्षेत्र बा, स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र बा, कहल जाला कि सबसे पहले निरोगी काया, लेकिन जब निरोगी कहे ना हुई तो बाकी सबके रुआ कैसे कर सकीले। जब एक के बहुत गहराई से रुआ देखे जाए तो शुरू से हमनी के समाज में या हमनी के धर्मशास्त्र में लिखल बा कि एक स्वस्थ आदमी ही स्वस्थ काम कर सकला, या फिर ये देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में कुछ काम कर सकेला। लेकिन स्वास्थ्य के लेकर के जितना डर और जौन स्थिति पैदा हो गई बा देश में, और खास करके कहल जाओ तो बिहार पिछड़ गई बा में, ओकरा में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से हाथ बांध के खड़ा रहे। उनका लगे ऐसा कारण ना भेटा था कि जौना से वो एकरा के ठीक कर सकस। रुआ के एगो छोटा सा बात बताओ तनी कि याद हुई अश्विनी चौबे भी कभी रहे है स्वास्थ्य मंत्री, वो घड़ी भी जब बिहार में रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो काम भले बेहतर करत रहन, लेकिन नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट ना रहन, लगभग खटपट होता रहा। बिल्कुल याद आवा जब डेंगू को लेकर जो मीटिंग हुई थी अश्विनी चौबे की, उस मीटिंग में उन्होंने नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा दिए थे कि सरकार चाहती ही नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग मजबूत हो। बिल्कुल, और ये ऐसा क्षेत्र रह गई नमन जी कि आम व्यक्ति के, हर व्यक्ति के एकरा से विशेष लगाव बा। ऐसे कि स्वास्थ्य के रूप में कभी ना कभी कोई ना कोई के अस्पताल जरूर जाए के पड़ेला, ऐसा बिरले आदमी हुई हैं जो अस्पताल ना जात हुई हैं। और अस्पताल के अव्यवस्था और व्यवस्था दोनों के बीच के जो कड़ी बा ओकरा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में 36 के आंकड़ा रहल बा और ये हमेशा नीतीश कुमार के कमजोर कड़ी रहल बा। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग रुआ याद हुई कि 2015 में जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के दोस्ती भइल तो कहल गई कि तो सांप और नेवला वाला हो गई बा, जहर और बोआ रहल बा। जनक के जवाब नीतीश कुमार दिले रहन कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। एकर परिभाषा चाहे जौना रूप में दिहल जाओ, लेकिन लालू प्रसाद एकरा के बड़ा बाइफरकेट करके कहले रहन कि चंदन के मतलब होला हिंदुस्तान और भुजंग के मतलब नरेंद्र मोदी। अब ये सब बात में रुआ घूम फिर के आई तो एगो चीज़ देखे के रुआ मिली कि एक बार फिर से ऐसा स्वास्थ्य के स्थिति हो गई बा। एक में रुआ से एगो चर्चा कल बहुत जरूरी समझता नहीं हम, और खास करके बिहार के लोग के याद दियावल बहुत जरूरी बा, देश के लोग के याद दियावल जरूरी बा कि 2015 में जे कुछ भी भइल ओकरा में एक सरकार बनल जौन सरकार भारतीय जनता पार्टी से अलग बनल रहे। इस सरकार में नीतीश कुमार लीड करत रहन और बार बार लालू प्रसाद से पूछल जात रहे, कई गो लोग सवाल पूछले रहे कि यह चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी। वो सीधे कहल रहन कि हम नीतीश के दे दिले भाई, नीतीश रही हैं। एकरा में एगो बात ऐसे कहे के जरूरी हमरा भइल हा कि ए बीच में तेज प्रताप यादव के मुखिया बनावल गई रहे स्वास्थ्य विभाग के, और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया बनावल गई रहे तो बार बार सवाल उठत रहे कि अतना लीन थीन आदमी दूबर पातर इस स्वास्थ्य के का कर सकेला जे कर खुदे स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो क्या कर सकला। लेकिन मोट मोट मजबूत माने सोचे कि इतना बड़ा आपदा भई रहे, वो आपदा से निकल करके अश्विनी चौबे आ गई है। हालांकि वो घड़ी उनका लगे स्वास्थ्य विभाग ना रहे, इस्तीफा दे चुका रहन, लेकिन ओकरा बाद मंगल पांडे अइले और मंगल पांडे के रीजन में और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कई बार रुआ याद हुई कि 5 साल 6 साल के बाद रिटर्न आई रहन जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तो उ चमकी बुखार खातिर आई रहन, कहलन कि 5 साल पहले हम चमकी बुखार ठीक करे खातिर आई रही हैं, फिर चमकी बुखार खातिर आवे के पड़त। एकरा मतलब बा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बिहार के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं के देत। और निश्चित रूप से जब घर के गार्जियन बाल बच्चा के या परिवार के स्वास्थ्य के विषय में ना सोचे तो ओकरा के सबसे बड़ा माने घातक कहल जाला कि वो अपना परिवार के तरफ नहीं के देखत। ओकरा साथ साथ एगो बहुत बढ़िया बात ई बा कि जौन वर्तमान परिस्थिति बा परिस्थिति में नीतीश कुमार के जगावे खातिर जहाँ विपक्ष तैयारी कर रहल बा ओजा नीतीश कुमार के साथ के लोग भी जगावे के तैयारी कर रहल बा। अब नीतीश कुमार जगले कितना ई नीतीश कुमार पर निर्भर करता, कारण कि वो घर से तो निकल चुकल बाड़े। जब वो घर से बहरी निकलले, काल रहुए खबर देखैले रही कि घर से बहरी निकल करके और अलग अलग मोहल्ला में घूम करके स्वास्थ्य के स्थिति और वहाँ के वर्तमान जो कोरोना के स्थिति बा ओकरा के जाँच करे चलले। एक बड़ा मीटिंग भी कैले और मीटिंग के बाद 24-48 घंटा के समय दे करके आगे के प्रक्रिया करे के भी बात कैले है। ए बीच में कई गो बयान आइल बा। अब एक बात और जो इम्पोर्टेंट बा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार निकल ले, लेकिन एमे हमारा ई नज़र आइल कि नीतीश कुमार भाजपा के पूरी तरह से एक्सपोज करके निकल ले। जब भाजपा के लोग ऊपर से नीचे और जब जनता सवाल पूछे लागल कि आखिर जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार के भाजपा के और स्वास्थ्य मंत्री बिहार भाजपा के, जब तीन आदमी मिलकर भी केंद्र तक ये बात ना पहुंचा पाओले कि बिहार के ऑक्सीजन की आवश्यकता बा, रेमडेसिविर की आवश्यकता बा, वेंटिलेटर की आवश्यकता बा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ना एमे भाजपा सीधे तौर पर एक्सपोज हो गई। और अब नीतीश कुमार अगर निकलत आ रहे तो वो कमजोर भाजपा के सामने निकलत आ रहे, ऐसन भाजपा जौन बैकफुट पर बा, जौन एक्सपोज ऐसे भी बा कि संजय जायसवाल बिहार में कहते रहे लॉकडाउन लगावे के और उजा रैली हो रहा बा बगल में झारखंड में बंगाल में। तो बाबा कहीं ना कहीं मतलब भाजपा से जौन मोह रहे बिहार के जनता के, जितना लोग 28 वो सीट काट के भाजपा के दिहल, वो लोग के कहीं ना कहीं अब ये बात के भ्रम टूटल हुई। नमा जी सबसे बड़ बात बा कि भाजपा कब अपना बात पर खड़ा उतरल बा, ये तो व्यवहारिक बात तो बा। नीतीश कुमार जबरदस्ती कहता रहे कि ना भाजपा बहुत बढ़िया बा, लेकिन लोग कहाँ ये बात के कह रहल बा? लोग तो ये बात के नहीं है कहत। बिहार के लोग से रुआ पूछी ना जे बाहर से आ रहल बा, आज से साल भर पहले भी लोग आई रहे, कौना स्थिति में आई रहे रुआ आँख से देखले रही, कई लोग के तो रुआ अपना गोड़ के पनही चप्पल तक ले रुआ देले रही। और हमनी के लगातार लाग के काम के लिए दुर्भाग्य हमनी के अब की साल हमनी के खुद इतना ज़्यादा परेशान बनी जा कि पूरा टीम हमनी के हमरा ले ले, सब कोई अस्वस्थ बा, जना के लेकर के हमनी के खुद लड़ाई लड़ रहल बानी जा। लेकिन यह सब के बीच में साल भर समय बहुत होला नमन जी, जब चुनाव के का जरूरत रहे, लेकिन चुनाव करावल गई। वो बहुत बढ़िया बात रहा कहनी कि साल भर समय बहुत होला। अगर आज जब आग लगल पूरा देश में आ कुआँ खोदे के बात होता, सब जगह ऑक्सीजन का प्लांट लगावे के बात होता, तो साल भर पहले अगर लागल रही तो बहुत काम हो गई रही। आज एक रातों रात लाग सकता तो ये साल भर पहले भी लाग सकत रहे। मतलब कहीं ना कहीं संस्थागत हत्या होता। एक माने बियाह के बेरी कोहड़ा रोपे वाला हाल तो बुझाता जब, लेकिन सरकार कहता कि कर सकता नहीं तो साल भर पहले भी हो सकत रहे। बिल्कुल, एमे कहीं ना कहीं संवादहीनता के साथ साथ लोग के प्रति सोच नहीं खे। सिर्फ चुनाव से चुनाव तक के तैयारी भाजपा के सबसे बड़ा एजेंडा बा, और ये एजेंडा में नीतीश कुमार अब शायद इस बात के समझ चुकल बाड़े कि अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर चल करके आपन प्रतिष्ठा के साथ साथ बिहार भी हम खो दें, और इहे कारण बा कि वो अपना ब्रह्मास्त्र के तैयारी कर रहा बड़े। रुआ सोची ना कि जे भारतीय जनता पार्टी के संगे रहल हा, रुआ नरेंद्र सिंह के बात कर ली। नरेंद्र सिंह बोले के बीच में आयल बड़े न, सुमित सिंह के पिता, जौन कि सुमित सिंह चुनाव खत्म होते परिणाम आओते सबसे पहले कहले कि हम नीतीश के साथे बानी जी। और नरेंद्र सिंह उनका विरोध में रहते हुए बोले कि बुलवावल गईल जौन साम दाम दंड भेद, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उपहार दीजिए, लोगों को अपने साथ करने का बहुत सारा कारण है, और ये कारण उठाकर सीधे लेकर आ रहे हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। किसी को डरा कर अपने साथ कर लो, किसी को प्रलोभन देकर अपने साथ कर लो, और जो नहीं आ रहा है उसको काट के बाहर कर दो लोजपा की तरह। स्पष्ट नजर आवता नमन जी जो रुआ बात कहनी ब्रह्मास्त्र वाला, वो ब्रह्मास्त्र वाला बात एकदम बिल्कुल नजर आ रहा बा। नरेंद्र सिंह वो व्यक्ति हवे जो रुआ याद होई कि 2017 में 2000 ओकरा पहले भी 2000 लगातार नीतीश कुमार के साथे रहल बड़ा। 2017 में जब नीतीश कुमार अलग होके के कैले तौना घड़ी वो विरोध में रहन, एकरा बीच में रुआ याद होई कि जब जीतन राम मांझी 2005 में जो कैले रहन तौन बात याद दिलाई बाबा, कैसे लोजपा के सारा विधायक के तो शुरुआत रुआ देखिए 2005 में वो ना रही तो नीतीश कुमार दोबारा ना बन पे ना बनते। 29 को विधायक लेकर के दिल्ली जाके बैठ गए रहन, कहाँ फरवरी में बन पैले, अक्टूबर में जब चुनाव हुई तो नरेंद्र सिंह ही वो खेला खेल ले जो ना खेला के आज तक लड़ाई चिराग पासवान और रामबिलास पासवान अपना जीवन भर में नरेंद्र सिंह के साथ लड़ते रह गए। नरेंद्र सिंह के लड़ाई में रुआ याद हुई कि सत्ता में रहते हुए बहुत बात बारी से जो उनकी कहल आज के समय में जरूरी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के साथ रहे वाला, नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़ाई करे वाला भी आज नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर खातिर मजबूर बा। कारण बा कि सबके ही बात समझ में आ गई बा कि अब की एगो लहर तो पार को नहीं जा, कसहूँ बिहार के जनता के समझा के सत्ता में तो आगे नहीं जा कि अभी बहुत समय बा, हमने के करे के बहुत सारा बा। रुआ यहाँ तक लग रहे हैं कि हम स्किल मैपिंग करब, जे लोग लौट के लोग के नौकरी देव, ये सब कारण रहे जौना से लेकर के 19 लाख लोग के रुआ रोजगार देवे के बात कहले रही, सब कुछ कहले रही रुआ, जौना के कारण रहे कि लोग रुआ पीछे आयल चाहे जौना तरीका से रुआ सरकार बनौनी। हालांकि विपक्ष का तो कहना बा कि गोलमाल कह के सरकार बनौले, लेकिन अब ये सब बात के लेकर के एक तरफ नरेंद्र सिंह के बात कर ली रुआ, दूसरा तरफ चिराग पासवान के भी बात कर ली, तीसरा तरफ अगर बात करी तो जीतन राम मांझी के बात करी, जीतन राम मांझी तो खुल के कह दिले बड़े। और अंतिम सवाल का ब्रह्मास्त्र उतार तो दे ले नीतीश कुमार, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र कुछ भी असर कर पाई भाजपा पर? ए ब्रह्मास्त्र में एगो अभी संविदा के जरूरत पर हुआ। शुरू में हम लालू प्रसाद के नाम लिहल जा जरूरी ना रहे, लेकिन लालू प्रसाद के नाम हम लेनी है। उ लेवे के पीछे कारण यह रहे कि लालू प्रसाद वो ब्रह्मास्त्र में जौन धार होला और ब्रह्मास्त्र के जौन असर होला सिद्धि, बिल्कुल ओकरा के सिद्ध करे खातिर। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बात समझ में आ रहा बा। रुआ एक दिन कहले रही बात हमरा याद आ रहा बा कि रुआ कहले रही कि लालू प्रसाद पर पूछल गई सवाल के जवाब में नीतीश कुमार बोलते बोलते अचानक चुप हो गई, और उनका चुप्पी है बात के बतावेला, जब जब वो चुप होले तब तब कुछ नया होला। और ये नया कहीं ना कहीं हम बार बार कहते नहीं, हालांकि बहुत सारा लोग कहता कि ऐसा संभव नहीं है कि नीतीश कुमार के संगे खाली फिर से लालू प्रसाद आ सकेले, लेकिन लालू प्रसाद आवत नहीं खन। बिहार और बिहार के लोग खातिर जे कुछ भी त्याग करे के पड़ी वो निश्चित रूप से गरीब गुरबा के बात करे वाला लालू प्रसाद खाली जरूर तेजस्वी यादव के तैयार करे के प्रयास करी हैं, और चाहे जौना रूप में होके एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र के असर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गाज गिरना बुझाता कि मिला जुला करके जगह पर आ रहा बा जी। तो बाबा हम लोगों को आज बताएं कि कैसे बिहार की राजनीति में यह ब्रह्मास्त्र जो नीतीश कुमार ने छोड़ने का प्रयास किया है कितना असरदार हो पाएगा, और अब जब भाजपा पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार खुद हमला नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अन्य माध्यमों से भाजपा को हमला का केंद्र बना रहे हैं। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं। बाबा भी लगातार कमेंट में एक्टिव रहते हैं, आपके कमेंट को पढ़ते हैं, अगर आप बाबा से बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भी एक अच्छा माध्यम है जिससे आप अपनी बात जो है बाबा तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।